चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आपको फ़ोटो का साइज़ बदलना हो तो कैसे चेंज करेंगे, कैसे अपने वीडियो को या इमेज को केबी या एमबी में कैसे चेंज करेंगे। तो यह आपकी दो तरह की क्वेश्चन आपके पास आता रहता है और ऐसे क्वेश्चन तभी आपके मन में आते हैं जब आपकी प्रोफाइल पर किसी चीज़ का फ़ोटो आपको लगाना होता है। तो ऐसे ही सवाल तभी आते हैं जैसे कि आपको इमेज का साइज या उसकी केबी एमबी को केबी में बदलना चेंज करना हो तभी आपके ये क्वेश्चन उठते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको एमबी से केबी में चेंज कर सकते हैं या केबी को एमबी में कैसे चेंज करेंगे अपने इमेज को। तो इसकी वीडियो को मैं जानकारी आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मतलब अभी तक जाकर चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो किनारे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन का नाम जैसे किनारे आपको दिख रहा होगा इमेज साइज को क्लिक कर लेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल 90 एमबी का है तो आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपके नेटवर्क के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना तेज़ी से आपका स्पीड दे रहा है। तो जैसे मेरा ज़्यादा मतलब स्पीड दे रहा है तो इसलिए ये जल्दी हो जाएगा, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। तो ये मेरा अब इंस्टॉलिंग वेरीफाई हो रहा है, तो इंस्टॉलिंग हो जाने के बाद से मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा इसके बाद से वायरस स्कैनिंग करेगा, तो वायरस स्कैनिंग करने के बाद से इसको ओपन करके मैं डेफिनेटली आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको होगा। तो ये ओपन वाले बॉक्स को ओपन करेंगे और ये इस तरह का स्क्रीन आपके ओपन करने के बाद से ऐसा आ जाएगा। तो आप अलाउ पर क्लिक करना है और एक बार एग्री पर क्लिक कर देंगे। जैसे अभी थोड़ी देर के बाद नहीं आया तो जैसे आएगा मतलब जो आएगा आपको उसको ओके कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि जैसे पिक्सल है तो आपको फ़ोटो का मतलब इमेज का साइज़ को घटाना बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है लाइब्रेरी वाले जैसे ऑप्शन यहाँ पर लोगों दिख रहा होगा तो इसको क्लिक कर लेंगे और एल्बम पर जाकर कोई भी अपनी फ़ोटो को ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर फ़ोटो को एक ले लेता हूँ, जैसे मैं फ़ोटो को एक ले लेता हूँ ये वाला फ़ोटो, और फ़ोटो लेने के बाद से आपको इमेज साइज को घटाना बढ़ाना है। तो आपको और डन कर देंगे और ये आपका हो गया है। तो देखिए इसकी लंबाई 222 है और इसकी जो चौड़ाई हो गई 113 हो गया है। तो अगर सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो देखिए सेंटीमीटर में कितना बड़ा हो जा रहा है, तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं इसको फिलअप, जैसे यहाँ पे ये हो गया है। तो अगर आपको इसको यहाँ से हाथों से रिमूव कराना चाहते हैं तो वो भी हैंड से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे चूज कर सकते हैं, जैसे 15x10 का आपको इमेज बनाना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 10x10 का मतलब करके दिखाता हूँ, 10x12 का करके दिखा देता हूँ, 10x12 करके दिखाता हूँ यहाँ पे डन करके। तो देखिए इसका इमेज थोड़ा बड़ा हो गया है और यहाँ से आपको दिख रहे हैं इतना मतलब इतने ही छोटे का आपका ये इमेज होगा, जैसे 10x12 का आपका इमेज यही है। तो इसको मतलब बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बड़ा कर लिया है। और अगर अब बात आती है इसका मतलब आपको कैसे इसको सेव करना है, कैसे इसको किसी के साथ में शेयर करना है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे एरो वाले जैसे भी जाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली सेव हो जाएगा। और ये जैसे कि PDF बनाना चाहते हैं तो PDF होगा, और PDF भी बनाना आपको सही रहेगा, इसलिए PDF में आपकी इमेज फटती नहीं है। और यहाँ पर शेयर वाले बॉक्सन पर क्लिक करेंगे तो आपका शेयर भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको PDF बना के दिखाता हूँ। तो PDF वाले बॉक्सन को मैं क्लिक किया और यहाँ पे PDF को जैसे ऑप्शन मिल रहा है तो PDF 1x1 का, तो PDF पर क्लिक करेंगे और ये सेव का ऑप्शन मांगेंगे तो आपको सेव कर लेना है, जैसे कि ये सेव हो गया है। ठीक है, ये सेव हो जाने के बाद से आपको यहाँ पे इसे ये थोड़ा ऐड साथ कर रहते हैं इसमें, तो एक आपका इमेज बन गया है 10x12 का। और मैं दूसरा इमेज करके आपको दिखा रहा हूँ 10x12 का दूसरा इमेज कैसे आप लेंगे। तो फिर से वही प्रोसेस है, एल्बम में जाएंगे, एल्बम पर जाने के बाद से फिर से एक फ़ोटो आपको चूज करेंगे। जैसे मैं एक फ़ोटो ले लिया, फ़ोटो लेने के बाद से 10x12 का ही देख रहे हैं इतना ज़्यादा हो गया, तो मैं 5x ले लेता हूँ, 5, ये भी 5 लेता हूँ, ये भी 5, और डन कर देंगे। ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा हो जाने के बाद से फिर से वही प्रोसेस है, फिर से वह PDF बनाना, तो PDF बनाएंगे नहीं तो शेयर कर देंगे, नहीं तो डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो उम्मीद करता हूँ मतलब आपको समझ में आ गया कैसे आपको यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको भी दिखने को मिल रहा है, पिक्सल में बना सकते हैं MM या सेंटीमीटर या इंच में। तो यहाँ पर 5 आपको ऑप्शन मिल रहा है, 5 में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मतलब
मतलब आपको अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी मतलब मालूम हो गया होगा कैसे आपको क्या करना है। और इस मतलब एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ पर डाउनलोड करके अपने इमेज को साइज या घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।